अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम गुजरात। हम लोग सूरत से काफ़ी करीब हैं, सफ़ान गोट फार्म पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख भाई, और आपके बेटे का नाम सफ़ान है, जो कि वीडियो में इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद जानवरों के साथ में ज़्यादा खुश होता है। तो ये फार्म कब स्टार्ट किया आपने? ये कम से कम 3 साल हो जाएगा अभी। तीन बकरियों से किया था जी, अभी धीरे धीरे सेटअप बढ़ा रहे हैं। और ये सब घर की ब्रीड है? घर की, उससे से ही हुआ है। और ये जो पीछे जगह देख रहा हूँ, इसमें चारा उगाते हैं आप? हाँ, बस चारा उगाते थे। इस साल नहीं किया है क्योंकि बारिश जल्दी आ गई थी, तो खेड़ नहीं पाया था मैं। अच्छा, उसको ट्रैक्टर से नहीं कर पाया, मारना पड़ता है। सही है। तो ये घर है आपका? हाँ, ये घर इधर पर, घर के एकदम हाईवे पे आपका घर है। ये एरिया का नाम किम है? किम, चौकड़ी है, वहाँ से जो मांडवी का रोड जाता है, पास में ही है। साथ में आपका ही बंगला है माशाल्लाह, और पीछे ही आपकी पूरी जगह है। पूरा पीछे तक है, पीछे तक। इधर बकरा छोड़ दे, लेकिन अभी बारिश के लिए थोड़ा गीला है, कीचड़ हो गया है। तो ये एक एक करके जमा किए? 2-3 बकरों से स्टार्ट किया था, और अभी अभी 1-2 नस्ल ली है, बाकी सोजत और देसी बकरी ही थी अपने पास। अच्छा, मतलब अभी चेंजेस करना चालू कर रहे हैं। अब हैदराबादी में अपने कर रहे हैं। सही है। तो इसमें से कुछ देना है वो दिखा देते हैं, और एक ओवरऑल शेड भी दिखा देंगे आपका। ये तो दोस्तों सफ़ान गोट फार्म पे हम लोग अभी, ये बकरे बाहर ग्रेजिंग पे रहते हैं इधर, इसके लिए आपको थोड़े गंदे दिखेंगे क्योंकि बारिश का टाइम भी है ना। ये पूरा लकड़े का बना है पैलेट का आपने? हाँ, ये भी हाथ से ही बना है पूरा। माशाल्लाह, काफी बच्चे आ गए आपके यहाँ? सफ़ान, बकरा कहाँ है? मैं सफ़ान की मैं बात करता है। सफ़ान बोलेगा तुमको जो भी बोलेगा। सफ़ान मैं बोलो, मैं बकरी पकड़ दे, पकड़ो सफ़ान। अरे सफ़ान मार रहा है बकरी को। छोटी मैं पकाई। अभी इसमें से बेचने का क्या है वो एक एक करके बता दो आप, और उसका एक रेट भी थोड़ा सा आइडिया दे दो लोगों को। देखिए, हाँ भाई, आप लेके आओ ना उसको, बाहर निकाल लो। ये आपके घर पे पैदा हुआ? हाँ, था घर का पैदा हुआ था। उसका बाप की हाइट कम से कम 42 के पास थी। हाँ, और 110 किलो पे उन्होंने सेल किया था उसका बाप जो था। भाई इसको पकड़ो ना आप, और इसका दांत देख लो आप एक बार, कितना दांत पे? कितना? दो दांत। दो दांत, दो दांत छोड़ो, दो दांत पे है, गुलाबी बच्चा है पूरा। गुलाबी बच्चा है। अभी उसका बाप 140 केजी पे खड़ा है। किसके पास है इसका बाप? अपने कठोर में दिया था अपनों ने, अभी उसने भी किसी दूसरे को सेल कर दिया है। तो ये कितने में देने का आपको? ये फाइनल 30,000 में देंगे। फाइनल 30,000 में दे देंगे। गुलाबी बच्चा है दोस्तों, गुलाबी बच्चा है, मतलब की बढ़ने वाली चीज है, खिलाई पिलाई। और लाइन का है, मतलब इसका बाप बहुत अच्छी लाइन से। उसका वीडियो बता देगा अपने आखिर में। ये भी उसी का है, और ये जो पतीरा है ये भी उसी का बाप का है। ये भी देने का आपको? हाँ, ये भी दे देंगे। ये कितने दांत पे भाई? ये दांत देखो, दांत देख लो भाई, एक बार चार दांत एक बार चेक कर लो। चार लगा रहा है अभी। अभी लगा रहा है। हाँ। पतीरा के अंदर आएगा? हाँ, पतीरा फीमेल है और सोजत मेल था, लेकिन पूरा पतीरा पे आया है। माँ ने अपने ऊपर ले लिए। हाँ। ये इसी माँ का बेटा है, ये मदर है, इसकी माँ है। अच्छी माँ है माशाल्लाह। तो ये पतीरा का क्या मांग रहे हैं आप? ये 42,000। सही, एज अ ब्रीडर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी उसको यूज नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट लाइन चेंज किया हूं, हैदराबादी में आ रहा हूं, इसलिए ये वाला ब्रीडर रखा है। कितने कान है इसके? इसके 20 के कान है। ये किससे लिए थे आपने? ये इधर कोसंबा जो गोट फार्म था ना, क्या नाम, कोसंबा से लिया हुआ है। 7 के ऊपर की चकलान है और 20 के कान है, और दो दांत पे शायद। देखो दांत कितने, ये वाला नहीं देने का ना? हाँ, ये ब्रीडर के लिए अपने भी रखे। चार दांत किए, ये नहीं देंगे। और ये दो बकरे देंगे, एक सोजत और एक पतीरा। अच्छा, बच्चे कौन कौन से देने आप? दो बच्चे और एलावेलिया, तो बे काड़ा आयली काड़ी बकरी ना जो का। ये एक बच्चा है उधर उस बकरी के साथ, ये इसका उधर ब्लैक वाला। आइए उधर पूरा सेटअप देख लो आप। ये एक पंजाबी बच्चा देने का, ये नर बच्चा है, मादा है? ये है नर है। बीजो बकरा ला दे लो,
ये कितने महीने का है भाई? ये ढाई ढाई महीने के पास होगा, ढाई तीन महीने के पास। ये क्या कीमत में देना आपको? जोड़ी में दे देंगे 30,000 में। इसके मतलब साथ एक है, ये मेल है, फीमेल है के 15,000 से देंगे। हाँ, फीमेल कौन सी है? फीमेल लाल है, हमारी बकरी लाल लिया है। कांच है, एरिया मत है, एरिया दिया लाल लाल। सब बकरिया पतिरा हैदराबादी से। अभी अभी लाइन में चालू किया है काम। ये एक बच्चा देने का, ये वाला, ये हैदराबादी में आएगा। हाँ, ये हैदराबादी है प्यार। ये फीमेल हैदराबादी है ना? हाँ। तो 30,000 में जोड़ी, जोड़ी वो नर ये मादा। और कोई बच्चे देने भाई इसमें से? बच्चे तो नहीं, और ये खस्सी करके कुर्बानी के लिए अगले साल। और ये वाला सोजत में खस्सी कर दिया, ये भी खस्सी, ये भी कुर्बानी के लिए। इसके पीछे वाला ये भी तीनों। और ये दो बच्चे, ये अपने ब्रीडर अगला बनाने के लिए रखा है। और उसके पीछे वाला, वो वाला, वो वाला भी देखो, अगर हो जाए तो कुछ कर देंगे। किसी को पसंद, अगर किसी को अच्छा बच्चा है वो, इसके लिए पूछ रहा हूं। पंच जबरदस्त है, बहुत प्यारा पंच है इसका। कान भी आराम से 14 के आएंगे, 13.5 तीन महीने के पास का ही बच्चा है, ग्रोथ में माशाल्लाह है। और पंच अच्छा है चेहरे में, चलेगा। और कोई बकरी है देने में आपको? बकरी तो नहीं है अभी, कोई भी नहीं है। सही है, तो अभी हैदराबादी में ये सेटअप किया है। अभी आप हैदराबादी बकरियां खरीदेंगे? नहीं, इसका बच्चा है ये देखो, अभी सिर्फ ये 2-2.5 महीने का ही है, 12 के प्लस काम होगी। ये नहीं देंगे? तो इनको दिन में बाहर छोड़ते हो आप? खुले ही रहते बस। और खाने में क्या क्या दे रहे हो आप? खाने में शाम को सिर्फ एक टाइम अनाज देता हूँ, और 2 टाइम उनको सूखा जो मठिया का है, मूंग का है, उसका गोता देता हूँ। सही है, तो दिन भर इनको आप ग्रेजिंग पे रखते हैं बाहर, और शाम में एक बार दाना देते हैं। चलेगा। और आपका नंबर बोल दीजिए एक बार भाई। 9586113222। ये आपने जो चालू किया है तो आपको कैसा लग रहा है, काम आगे बढ़ाना चाहिए कि? बढ़ाना चाहिए, मतलब कि जितना क्वालिटी पे काम होगा उतना अच्छा है। मतलब कि मैंने तो शौक से किया था, शौक से अब तुम देखो इतना बढ़ गया है। मतलब कि सिर्फ 2-4 बकरों से किया था, इसके बाद ये अभी अभी ये केज मैंने किया, बाकी पहले सिर्फ ऐसा सिंपल ही था। नुकसान तो नहीं है इसमें? नहीं, नुकसान अभी ये पूरा सेटअप ऐसा वहाँ तक बनाना है, अभी ये पेंडिंग रखा है काम, क्योंकि मैं बिजी हूँ अभी। ये पूरा सेटअप वहाँ तक पूरा ऐसा ही करना है। चलेगा, तो अगर कोई खरीदता है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ भेज देंगे इंशाल्लाह। और किसी को देखने आना है तो बहुत इजी है, क्योंकि हाईवे के करीब में है। मैं लेने आ जाऊंगा हाईवे पे, अगर फोन करोगे तो। किम चौकड़ी से राइट मारेंगे तो 500 मीटर पे ही शायद आपकी जगह आ जाएगी, आपका बंगला आ जाएगा, ठीक है। और फार्म का नाम है सफान गोट फार्म। सफान, सफान फार्म का नाम क्या है? क्या नाम है? तेरा नाम क्या बेटा? खुश हो रहे हैं? चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो जो देना था बता दिए। बाय करो सफान, बाय करो, चलो बाय। ऐसा करो, आह क्या बात है, बच्चों में शौक आना बहुत जरूरी है। मैं तुझे बोलती बेटा, कैसा बोलती है? मैं तुझे बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, अस्सलाम वालेकुम। दिल खुश हो गया सफान भाई के साथ।